हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे एक प्याली सूजी और एक आलू, एक बहुत टेस्टिंगी नाश्ता। बनाने के लिए चाहिए एक बोल ले लेती हूँ। एक बोल में हम सूजी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 चम्मच बेसन, बस 2 चम्मच ही लगेगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, डाल के इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिला लिया है, इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसको ढककर रख देंगे रेस में। ये जो आलू है, ये आलू हम इसी में घिस लेंगे। आलू को इस तरह से घिस लेंगे। आलू हम घिस लिया है। अच्छे से घिस लिया है। आलू हम अच्छी से पानी से वॉश कर लेंगे। 3-4 बार पानी में धो लेंगे। इसको अच्छी से वॉश कर लेंगे। इस तरह से सारे पानी निकल के इसमें रखेंगे। इसको 2-3 बार धो लेंगे। अच्छी से धो के निगाड़ के सुखा लिया है। अब हम देखते हैं सूजी कैसे। सूजी खोल लेती हूँ। थोड़ा फूल के डबल हो गया है। इसमें हम डालेंगे आलू, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा घिसा हुआ प्याज, ये हरा मिर्च बारीक बारीक कटा हुआ, ये 2-3 कली लहसुन, ये भी बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल देती हूँ। ये धनिया, हरा धनिया, ये हल्दी पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये सब डाल देती हूँ। डाल के अच्छी से इसको मिला लेंगे। पहले थोड़ा नमक दिया था और थोड़ा नमक दूंगी, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम चूल्हा जला दिया है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा बहुत तेल।
तेल डाल दिया है, इसमें डाला एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सरसों, थोड़ा गर्म कर लेंगे। जब डाला था पता नहीं कैमरा बंद हो गया था। जीरा एक चुटकी, एक चम्मच, और सरसों एक चम्मच डाल दिया। ये गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे हमारे जो बैटर बना के रखा था, बैटर छोड़ देंगे। इसको अच्छी से इसको खमीर कर लेंगे। जिसे हम खमीर जैसे बना लेंगे, ऐसे खमीर बनाए सूखा सूखा, इसको डाई कर लेंगे। हमारे खमीर हो गया है, देखिए पूरा सूख गया है। इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, चूल्हा बंद कर देती हूँ। हो गया है, अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लिया है, इस तरह से बना लेंगे। भैया ऐसे शेप दे रहा है, आप चाहे तो लंबा गोल कर सकते हो। हम इस तरह से सारे बना लेंगे, और एक बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से सारे बना लेंगे। इसी तरह हम सारे बना लिया है, चलिए हम फ्राई कर लेंगे। अभी तो सारे बना लिया, अब हम चूल्हा जला दिया है, तेल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस तेल डाल दिया है। तेल हमारे गर्म हो गया है, हम एक एक करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो टू मीडियम में चूल्हे का आंच दे रहेंगे, तेज नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक हल्का हल्का हाथों में पलट देंगे। अब थोड़ा पलट देंगे, अब हमारे हो गया है। हम उठा लेंगे, पेपर में हम डाल देंगे। ये भी हमारे हो गया है, हम उठा लेंगे। हमारे बन गया है, बहुत ही मुचमुचे
मुड़मुड़े खाने में बहुत टेस्टिंग है। चलिए हम प्लेट कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा है, टेस्टिंग हेल्दी। बहुत ही मुचमुच हम खा के दिखाती हूँ छोटा मोटा सॉस से। बहुत ही मुचमुचे कुरकुरे। हम तो टमाटर सॉस से खा रहे हैं, आप चाय से भी खा सकते हैं। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। चलिए रेसिपी देख लेती हूँ कैसे बना है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा कुरकुरे मुरमुरे चाय के साथ भी खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो। मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताना, शेयर करना। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।